6 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले या फिर साल भर पहले की गई व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कोई दूर बैठा इंसान देख सकता है व्हाट्सएप को हैक करने के बाद या फिर नहीं? जी हाँ दोस्त, काफी सारे ऐसे व्हाट्सएप यूजर्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे पीपल हैं जो बार बार इसी तरह का कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई हैकर्स या फिर कोई नॉर्मल इंसान भी हमारे व्हाट्सएप को हैक कर लेता है किसी न किसी तरीके से, तो क्या वो बंदा हमारे वीडियो कॉल को देख सकता है जो पहले से की गई वीडियो कॉल है, मान लीजिए साल भर पुरानी या फिर 6 महीने पुरानी या फिर हाल फिलहाल में ही मैंने जिससे भी वीडियो कॉल किया है, क्या वो सारा वीडियो कॉल दूर बैठा हैकर से या फिर कोई भी इंसान देख सकता है या नहीं? क्या ये पॉसिबल है और अगर है तो कैसे, आप मुझे बताएं। तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी हैकर आपके व्हाट्सएप अकाउंट को किसी ना किसी तरीके से हैक कर लेता है तो क्या वो आपकी वीडियो कॉल को देख पाएगा, चाहे आपकी वीडियो कॉल साल भर पुरानी ही क्यों ना हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक की रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं जो कि आपके हर एक कदम पर रियल लाइफ में आज नहीं तो कल जरूर काम आएगी, लाइक घर बैठे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें, बच्चों के लिए आधार कार्ड कैसे बनवाएं, आधार कार्ड खो गया है उसे रीइशू कैसे करवाएं, या फिर अपने लिए नया आधार कार्ड कैसे अप्लाई करें वो भी घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, घर बैठे अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें या फिर नया मोबाइल नंबर लिंक कैसे करें, अगर आप लोग ऐसे ही काफी नॉलेजेबल वीडियो इसी तरीके का चाहते हैं ना, तो आप लोग एक बार सुमित एक्सेस के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी जो आपके रियल लाइफ में हमेशा काम आएगी। सो प्लीज विजिट हेयर एंड सपोर्ट हेयर, पैसा एक भी नहीं रहेगा। बात करते हैं मेन मुद्दे की। देखिए काफी सारे लोगों को एक डर बना हुआ होता है, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर मेरा व्हाट्सएप बाय चांस किसी न किसी तरीके से इन फ्यूचर हैक हो जाए तो व्हाट्सएप पर आज तक जो मैंने वीडियो कॉलिंग की होंगी वो सारी की सारी वीडियो कॉल कोई दूर बैठा इंसान देख सकता है या फिर नहीं। और डर लगना भी चाहिए यार, क्योंकि देखिए उन सारे यूजर्स को काफी ज्यादा डर लगता है जो लोग अपना प्राइवेट चीजें शेयर करते हैं वीडियो कॉल के दौरान, या फिर जो जीएफ होती है, गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होती है, वो अपना बॉडी पार्ट्स वगैरह दिखाते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा डर लगता है कि भाई कहीं मेरा वीडियो कॉल लीक ना हो जाए, और जब लीक हो जाएगा तो भाई बवाल मच जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी हरकतें आप लोगों ने कर रखी है वीडियो कॉल के दौरान जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्त मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पर कुछ भी आप ऐसा मत मानो कि 100% सेफ और सिक्योर है। ऐसा कभी मत समझो कि मैं अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा हूं तो वहां पर जो वीडियो कॉल मैं करूंगा वो 100% सेफ और सिक्योर ही होगा, मैं कुछ भी चीजें कर सकता हूं, कुछ भी। अब कुछ भी कहने का मतलब यह है कि काफी सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई ऐसा प्राइवेट चीज शेयर कर रहे हैं तो भाई सोच समझ करके करें और अपने रिस्क पर करें। तो दोस्त जो इस टाइप का काम करते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल के दौरान, तो उन लोगों को काफी ज्यादा डर लगता है कि कहीं मेरा व्हाट्सएप वीडियो कॉल देख तो ना लिया होगा, क्योंकि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया। तो दोस्त अगर आप लोग हमसे इस तरह का सवाल कर रहे हो कि 6 महीने पुरानी, साल भर पुरानी, 2 महीने पुरानी या फिर 5 साल पुरानी की गई वीडियो कॉल कोई दूर बैठा हैकर देख लेगा, क्या ये देख सकता है, पॉसिबल है? तो दोस्त मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। जी नहीं यार, आपने जो हाल फिलहाल में, मान लीजिए आपने कल अपने जीएफ से वीडियो कॉलिंग की, ठीक है, और आप वहां पर काफी ज्यादा प्राइवेट बातें किया या फिर प्राइवेट चीजें शेयर की कुछ भी, तो वो हाल फिलहाल जो कल आपने वीडियो कॉलिंग किया था व्हाट्सएप पर और आज आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया, तो कल आपने वीडियो कॉलिंग क्या किया था वो भी देख नहीं पाएगा। तो भाई 6 महीने पुरानी की बात तो दूर ही हो गई, साल भर पहले वीडियो कॉल की गई बात तो दूर ही हो गई, वो तो नहीं ही देख सकता है। अब क्यों नहीं देख सकता वो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे यूजर्स के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई व्हाट्सएप अकाउंट जब हैक होता है तो यहाँ पर कुछ चैटिंग वगैरह लीक हो जाते हैं, ऐसा कैसे होता है? चैटिंग तो लीक हो जाते हैं लेकिन वीडियो कॉल क्यों नहीं? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो भी आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हो, ऑडियो कॉल करते हो या फिर चैटिंग वगैरह करते हो, तो चैटिंग जो है वो आपके
और आपके दोस्त के बीच के दौरान, मान लीजिए आप मुझसे चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पर, तो जो भी आप चैट कर रहे हो, मुझे मैसेज सेंड कर रहे हो, तो वो मैसेज सबसे पहले व्हाट्सएप के सर्वर से होते हुए, मतलब सबसे पहले व्हाट्सएप के सर्वर पर जाती है, उसके बाद व्हाट्सएप तुरंत के तुरंत सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड भी नहीं लगता, मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पर मैसेज सेंड कर देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आप मैसेज सेंड करते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने जीएफ को मैसेज सेंड किया आई लव यू जानू, ठीक है, ओके, तो वहां पर जो आपने टाइप किया आई लव यू जानू, तो वो मैसेज जाएगी व्हाट्सएप के सर्वर पर, लेकिन इस तरह से नहीं जाएगी आई लव यू जानू, क्योंकि व्हाट्सएप वाले भी कमाल के होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, आपका पढ़ लेंगे, आपके जीआप के बारे में जान जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो एक कोड लैंग्वेज में चेंज होकर के जाती है, जैसे कि 1 2 3 ABCD ऐसे करके जाती है, ताकि व्हाट्सएप वाले को भी पता ना चले, जो व्हाट्सएप का टीम है उसको भी पता ना चले कि आपने क्या मैसेज सेंड किया है। और जो कोड उनके पास जाती है, उस कोड को तुरंत के तुरंत आपके मोबाइल नंबर पर, यानी कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर सेंड कर दिया जाता है, और उसने जो मैसेज भेजा आई लव यू जानू, तो वो मैसेज आपके पास आ जाती है, वो कोड चेंज होकर के अब मैसेज में आपके अकाउंट पर आ जाती है, तब जाकर के आप पढ़ते हो। और यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं, व्हाट्सएप अपने सर्वर पर लगभग 30 दिनों तक आपके डेटा को रखता है, यानी कि आपका जो व्हाट्सएप पर डाटा है वो 30 दिनों तक अपने सर्वर पर स्टोर करके रखता है, जिस वजह से व्हाट्सएप चैट लीक होने के चांस ज्यादा होते हैं, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट अगर हैक हो जाए तो व्हाट्सएप चैट लीक हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन आप जो वीडियो कॉल करते हो, ऑडियो कॉल करते हो, या फिर कोई भी कॉल करते हो यार, वो व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर नहीं रहती, जिस वजह से आपका व्हाट्सएप वीडियो कॉल सालों पहले की गई वीडियो कॉल हैक नहीं हो सकता, या फिर 2 दिन पहले की गई वीडियो कॉल कोई भी हैकर से दूर बैठे नहीं देख सकता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग शेयर जो कर चुके हो ना अपने जीएफ के साथ, प्राइवेट पार्ट्स या फिर प्राइवेट बातें, प्राइवेट चीज अगर आप पहले से कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अब से मत करो। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपकी वीडियो कॉल भी देखी जा सकती है दूर बैठे, जी हाँ, वो भी लाइव, ऐसा नहीं कि पहले से किया हुआ है या फिर बाद में आप करोगे तो बाद में दिखेगा उनको, नहीं, आप जो कर रहे हो एक्टिविटी वो उनको लाइव दिखेगा, जी हाँ। क्यों, कैसे, जान लीजिए। देखिए मान लीजिए अगर आप जीबी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं और आपको पता भी होगा, जीबी व्हाट्सएप व्हाट्सएप का ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, और व्हाट्सएप कहता भी है कि भाई अगर आप मोड एपीके वर्जन इस्तेमाल करते हो व्हाट्सएप का, तो भाई उस सिचुएशन में आपके साथ कुछ भी होता है तो मैं उसका रिस्क नहीं लूंगा, आपके साथ कुछ भी हो जाएगा मैं उसका कंप्लेन नहीं सुनूंगा। तो अगर आप जीबी व्हाट्सएप के जरिए किसी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं और उस सिचुएशन में किसी न किसी वजह से आपकी वीडियो कॉल लीक हो जाती है, तो आपकी वीडियो कॉल देखी जा सकती है और व्हाट्सएप यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा आपको हेल्प, जी हाँ। तो अगर आप जीबी व्हाट्सएप के दौरान किसी को अपना प्राइवेट पार्ट्स दिखा रहे हैं, बॉडी पार्ट्स या फिर कुछ भी प्राइवेट बातें कर रहे हैं, तो आप ना करें, क्योंकि जीबी व्हाट्सएप सेफ और सिक्योर नहीं है, कभी भी आपका वीडियो कॉल लीक हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्त, दूसरा जो पॉइंट है वो है ट्रस्टेड पर्सन, आप जिस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हो, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जीएफ है, कोई पीएफ है, बॉयफ्रेंड वगैरह, और आप उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हो कि भाई ये बंदा कुछ नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा बंदा है, ठीक है, या फिर बहुत ही अच्छी बंदी है, मुझसे बहुत ज्यादा लव करती है, तो भाई आप इन चक्करों में मत पड़ना, क्या पता वो आपका मोबाइल ले और आपके मोबाइल में स्पायवेयर एप्स को इंस्टॉल कर दे, या फिर कोई की लॉगर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे, या कोई वायरस वगैरह इंस्टॉल कर दे, जिससे कि आपको स्पाय किया जा सके, यानी कि आप जो भी कुछ करोगे उस पर कड़ी निगरानी रखा जा सके। मान लीजिए मैंने आपके मोबाइल में स्पायवेयर वगैरह डाउनलोड कर दिया, और आप जो भी कर रहे हो व्हाट्सएप में या अपने मोबाइल फोन में, क्योंकि जब मैं स्पायवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दूंगा तो आपका पूरा का पूरा मोबाइल ही हैक हो जाएगा, और जब मोबाइल हैक हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल फोन में जो भी एक्टिविटी करोगे उस सब कुछ मैं देख सकता हूँ, आप पर निगरानी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है दूर बैठा इंसान आप जो वीडियो कॉलिंग कर रहे हो व्हाट्सएप पर वो देख रहा होगा, या फिर वही पर्सन देख रहा होगा जिससे आप बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा ट्रस्ट है तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बच के रहना, सेफ रहना, ठीक है। वही पर तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए काफी सारे लोग बोलते क्या है कि भाई मेरे मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही स्पायवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ना ही वायरस है, ना ही मैलिशियस कोड है, ना ही कुछ भी है, और मैंने कुछ भी मिस्टेक भी नहीं किया, मेरा मोबाइल हैक भी नहीं है, मेरा मोबाइल बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, तो हमारा वीडियो कॉल कैसे लीक होगा, कैसे देखा जा सकता है। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मान लेता हूं कि आपका मोबाइल बिल्कुल 110% सेफ और सिक्योर है,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत आपके मोबाइल फोन में नहीं है, आप सेफ हो। लेकिन क्या आपको पता है आप जिससे बात कर रहे हो उनका ही मोबाइल हैक हो रखा हो, उनके ही मोबाइल में स्पायवेयर एप्लीकेशन हो, उनके ही मोबाइल में कोई की लॉगर एप्लीकेशन हो, उनका ही मोबाइल स्पाय किया जा रहा हो दूर बैठे किसी हैकर्स के द्वारा, उनके ही मोबाइल पर निगरानी रखा जा रहा हो किसी हैकर्स के द्वारा, आपको पता है? नहीं ना। अगर नहीं पता है तो भाई आप उनके साथ अपनी प्राइवेट बातें शेयर ना करो, प्राइवेट बॉडी पार्ट शेयर ना करो, चाहे वो आपकी GF हो या फिर PF, कोई भी हो, ट्रस्ट उतना ही करो जितना किया जा सके। हद से ज्यादा इसको प्यार कहते हैं उतना कर लो, लेकिन उतना ज्यादा विश्वास मत करो। लेकिन हाँ दोस्त, अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स या फिर प्राइवेट बातें दिखाना ही है, करना ही है, तो आप फेस टू फेस मिलकर के कर सकते हो यार। व्हाट्सएप पर जरूरी है करना? नहीं ना। तो आप फेस टू फेस मिलकर के करो। लेकिन अगर मान लीजिए आप व्हाट्सएप के दौरान ही कर लेते हो ऐसा काम और आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, लेकिन उनका सेफ और सिक्योर नहीं है, उनको स्पाई किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप जो भी कुछ करोगे उनके साथ, आप वो तो जाएंगे ही, वो तो डूबेंगे ही, साथ में लेकर के जनाब आपको ही डूब जाएंगे। जी हाँ, आपको भी लेकर के वो बंदा या बंदी डूब जाएगी, क्योंकि आपकी भी वीडियो कॉल के दौरान वहां पर इमेज आएगी, फोटो वगैरह आएगी, तो भाई आप भी डूब जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका वीडियो कॉल देखा जा सकता है, वो भी लाइव देखा जा सकता है। तो आप इन सभी चीजों से बच करके रहे, उतना ज्यादा विश्वास करना किसी पर भी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने माता पिता पर विश्वास ना करो, लेकिन दोस्त कुछ भी, कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं ना जो जलनशील होते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करने वाले होते हैं, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि विश्वास उतना ही करो जितना किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल जो 6 महीने पुरानी, सालों पुरानी की गई है, क्या वो हैक हो सकती है, क्या वो देखा जा सकता है, और साथ ही आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके वीडियो कॉल को देखा जा सकता है। और मुझे उम्मीद है अब आप लोग सेफ रहने की जरूर से जरूर कोशिश करोगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।